हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सबके बीच में मैं माइक्रम डॉल की डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही छोटी डॉल है। आप देख सकते हो बस 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ में ये डॉल मिल जाती है। लास्टली 30 रुपीज़ इसका इनफ है, इससे ज़्यादा इसका प्राइस कहीं भी नहीं है। तो 30 रुपये की डॉल से आज मैं बहुत अच्छा घर को डेकोरेट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। और एक मेरे व्यूवर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसको बताऊं कि इसकी चोटियां कितनी, बंडल में इसकी चोटियां लगेगी, बड़े साइज़ की बनाएं या छोटी साइज़ की बनाएं। तो आज मैं उन सवालों का भी जवाब दूंगी कि कितने चोटियां लगानी ज़रूरी है और कितने मतलब चोटी लगाएं, और अगर धागा कम पड़ जाए तो वापस उसको हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये सब कुछ पूरी डिटेल आप लोगों को देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर की कटिंग कर ली है। इसकी मैंने आपको नहीं दिखाया है इसलिए कि मैं इसकी बेसिक जो होती है वो अपलोड कर रखी हूँ। चार्ट पेपर बड़ी बनानी है तो उसकी लेंथ कैसे काटे, छोटी बनानी है तो कैसे काटे, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसकी बेसिक वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी इसका दे दूंगी, तो वहाँ से भी जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, डॉल को मैंने बीचों बीच रख करके ना, जैसे हम ब्लाउज का गला काटते उस तरीके से गोलाकार काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे डॉल रख करके इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, एक पोर्शन नीचे की साइड रहेगा अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। आपको इसमें ध्यान देना ये चीज़ है कि इसमें जितना ज़्यादा घेरा रहेगा ना, उतना ही डॉल आपका सुंदर बनेगा। चाहे आप डॉल बड़ी साइज़ की बना रहे हो या छोटी साइज़ की बना रहे हो, घेरे पे ध्यान रखिए। जो नीचे की गोलाई होती है ना चार्ट पेपर की, उस पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसकी जितना ज़्यादा गोलाई रहेगी उतनी ही आपकी डॉल सुंदर बनेगी। तो देखिए, डॉल की मैंने ये जो घेरा था वो बना लिया है, और जितना मुझे मतलब लगा कि इतना घेरा परफेक्ट है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बना लिया है। बीच बीच में मैंने यहाँ पे सेलो टेप भी लगाया है और स्टेपलर भी मारा है, आप लोगों ने देखा। मैंने वीडियो को बिल्कुल स्पीड नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब माइक्रम का धागा ले लेते हैं। मैंने इसकी पहले भी, अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि माइक्रम जो डॉल की माइक्रम धागा होते हैं वो उसका धागा सॉफ्ट आता है, और जो नॉर्मली हम झूला वगैरह बनाते हैं ना उसके धागा जो है थोड़ा सा हार्ड आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट वाली माइक्रम है। बाज़ार में या कहीं भी इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। वैसे इसका जो रियल नेम है माइक्रम सॉफ्ट धागा है, थ्रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलने से आपको दुकान में मिल जाएगा जहाँ भी ये मटेरियल मिल रही होगी। और इस तरीके से मैंने चोटियाँ इसकी बना लिया है। चोटियाँ का भी मैंने जो बेसिक वीडियो डाला है ना उसमें अपलोड किया हुआ है, चोटी कैसे बनाएं, फ्लावर कैसे बनाएं, चार्ट पेपर को कैसे कटिंग करें, ये सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा। जो भी जिनको भी ये डॉल पसंद आए, ये डिज़ाइन पसंद आए, बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा धागा लेकर के मैंने गले में डाल दी है इसको डिज़ाइन के लिए। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी हम डॉल बनाएंगे ना तो साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि हाथों के बीचों बीच से कि हमारी जो ज्वाइंट धागा है वो दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इस तरीके से गम लगाते जाएंगे, और गम ये फेबी बॉन्ड है। ठीक है, फेबी बॉन्ड को आप लोगों को ले लेना है। बहुत जगह ये भी कमेंट आती है कि हमारे साइड ये नहीं मिल रहा मैम, हम कहाँ से मंगाए, कैसे मंगाए, क्या करें, आप ऑनलाइन सेल करते हो क्या, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं। तो मैं इन कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। सबसे पहले तो ये बात कि मैं ऑनलाइन इसको नहीं सेल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में आती है। फेबी बॉन्ड 30 से 35 रुपये में आ जाती है इसकी डबी बड़ा वाला, और छोटा वाला तो 20 रुपीज़ में ही आ जाता है, तो इसको सेल करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आपको इसको चाहिए तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह ऑनलाइन ये मिल जाती है। कभी भी आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा हो तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। एक कुछ दिन पहले ही मेरे एक कमेंट और भी आया था कि मैम रिंग नहीं मिल रही है मुझे, जो वो सब्सक्राइबर है वो मिरर बना रही थी, तो उनको भी मैंने ऑनलाइन। आपको माइक्रम का या कोई भी चीज़ समझ में कहीं से भी नहीं मिल रहा है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप सीधे जाकर के अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप लोग सर्च मारिए, वहाँ पे 100% आपको मिल जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि नॉर्मल दुकान से थोड़ा अमेजोन और
फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, लेकिन आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम हर कोई भी चीज़ कहाँ से मंगाएं। और चार्ट पेपर तो आपको बुक स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ पे बुक वगैरह मिलती होगी ना, दुकान होगा उसमें चार्ट पेपर आपको ईजी तरीके से मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको खरीदने में। और डॉल तो ट्वाइस वाले दुकान पर आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम माइक्रम की। तो माइक्रम मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने चोटियाँ बना लिया है। मैं यहाँ पे दो कलर में बना रही हूँ, ब्लू और ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम अपने बालों की चोटियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। नॉर्मल चोटी जो हम बनाते हैं वैसे ही बनानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में आप 3 मीटर धागा लेंगे और उसकी चोटियाँ बना लेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम धागा कम पड़ गया मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आपको 3 मीटर हाथों से नाप करके ले लेना है धागा। 3 मीटर का एक धागा होना चाहिए और बिल्कुल 3-3 मीटर का 3 धागा होना चाहिए। उसको हम सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, नॉर्मली गांठ लगा देंगे। जैसे हम बाल्टी जैसे हम रस्सी वगैरह में गांठ लगाते हैं ना, उस तरीके से गांठ लगा देंगे। बाल्टी में इसलिए बोली थी कि गाँव में लोग कुआं में से भी पानी भरते हैं तो में गांठ लगाते हैं ना, उस टाइप में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गांठ लगा देना है। उसके बाद फिर बालों की जैसे हम चोटियां बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए जाना है, जब भी आपका धागा खत्म हो जाए, ठीक है। जब भी आपका खत्म हो जाए, जैसे आपने 3 मीटर धागा लिया, वो आपका धागा फिर खत्म हो गया चोटी लगा लगा करके, तो इस तरीके से बड़ा छोटा आपका बचेगा, हो सकता है कि इक्वल भी बचे। वीडियो ध्यान से देखिएगा और बातें भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी फिर। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके, जैसे मान लो कि मेरी मुझे और आगे चोटियाँ इसकी बनानी है, मैंने 3 मीटर ही लिया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे जैसे छोटे छोटे धागे हैं ना, वहाँ पर फिर से आपको 3 मीटर जो है हाथों से मेज़र करना है। इससे कम मत लीजिएगा, नहीं तो हर जगह ज्वाइंट ज्वाइंट आ जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो 3 मीटर तो आपको धागा लेना ही लेना है। 3 मीटर लेने के बाद आप लाइटर की हेल्प से इस धागे को थोड़ा सा गर्म करेंगे और वापस जो हमने 3 मीटर का धागा फिर से लिया है ना, उसको ज्वाइंट कर देंगे। जैसे हम झूले वगैरह करते हैं ना और धागा कम पड़ जाता है तो उसको ज्वाइंट करके आगे फिर लंबा कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। 3-3 मीटर का धागा फिर से लेना है और 3 धागे में ज्वाइंट कर लेना है। जब आपका जो चोटी है वो लग जाएगी पूरी, तो लाइटर की हेल्प से फिर वापस उसके जो लास्ट का सिरा होगा उसको चिपका देना है, जैसे मैंने अभी चिपकाया। तो अब आप पूछोगे कि हम कितने बंडल का बनाएं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ का डॉल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये डॉल जो मैं बना रही हूँ, इसमें पूरी जो है ना एक बंडल लग जाएगी। आपको अच्छे से इसमें फ्लावर वगैरह लगाएंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूँ, इसमें धागा फिक्स नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी डॉल की साइज़ क्या है, आप इसमें कितना फ्लावर लगाएंगी, किस डिज़ाइन का बना रही है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसमें धागा कितना लगेगा। आप अगर सिंपल सा आप बनाओगे तो एक बंडल में 2 डॉल बन जाएंगे, मेरी तरह अगर छोटी डॉल बनाओगे तो, ठीक है, फ्लावर इसमें कम लगता है। अगर आप इसे बड़ी डॉल बनाओगे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है उस टाइप की बनाओगे, तो आपको 1 से 1.5 बंडल लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आप किस साइज़ का कौन से डिज़ाइन का डॉल बना रहे हो, उसके हिसाब से आपकी चोटी बनेगी। मतलब जो धागे का डिज़ाइन है, चोटियाँ लग करके तैयार होगी और फ्लावर बनते हैं और उतना ही धागा आपका खर्च होगा। तो डिपेंड ऑफ है कि जितना आप साइज़ जिस साइज़ का डॉल बनाएंगे उसी साइज़ का आपको उतना ही आपको धागा लगेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने ब्लू कलर का धागा था ऊपर की साइड में मैंने इसका डिज़ाइन किया है, और जैसे कमर की साइड, जैसे ही डॉल का कमर का साइड आ जाएगा जहाँ से हमने चार्ट पेपर अटैच किया है, वहाँ से हमने 2 कलर मिक्स कर दिया, ठीक है। एक ब्लू कलर का पहले से था ही और एक जो है ऑरेंज कलर का मैंने ले लिया है, जस्ट उसके साइड से ही लिया है, जहाँ से हमने पहले स्टार्टिंग किया था ना, जस्ट उसके सामने से ही नीचे से लिया है। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा गम लगाते जाएंगे और इसको दोनों धागे को एक साथ ही घुमाते हुए हम नीचे तक इसको लपेटा लगा लेंगे, यानी कि राउंड राउंड शेप घुमाते जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, बिना गम लगाए हुए आपको धागा को बिल्कुल नहीं घुमाना है, नहीं तो बाद में क्या होगा कि ये धागे जो है ना नीचे की तरफ खींच जाएगी या ऊपर की तरफ खींच जाएगी, जब लोग इसको पकड़ के उठा करके देखेंगे तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो बिल्कुल ऐसे ही हम नीचे तक पूरा कर लेंगे और आगे वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने वीडियो को बिल्कुल स्पीड नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश की हूँ। और आई होप कि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे ना, वो सारे डाउट यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसमें धागा कितना लगेगा, कैसे हम इसको कहाँ से मंगाएं, ये हमारे यहाँ नहीं मिलती है, गम है, चार्ट पेपर है या डॉल है, जो भी आपको नहीं मिलती है, ये सब का डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को अपने सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जो भी डॉल बनाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से डॉल बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। Thank you.
तो फ्रेंड्स लीजिए, लास्टली हमारा फ्लावर वगैरह लग गया है। लास्ट में हम डॉल को यहाँ पे जो है बैग लटका देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी लटका सकते हो। तो देखिए हमारा फाइनली डॉल बन गया है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे कोई नया है, पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे हो, वो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। साथ में बेल आइकन को, घंटी का जो ऑप्शन है ना, उसको भी प्रेस करके जोर से दबा दीजिएगा। और चलिए, आई होप कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब इसको इस डिज़ाइन में को बनाने में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ममता माइक्रम आर्ट से ही है, तो वहाँ पे जाइए, सर्च मारिए ममता माइक्रम आर्ट, मैं मिल जाऊँगी आपको वहाँ पर भी। तो वहाँ पर कॉमेंट करिए, और अगर कोई नया डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो भी आप कॉमेंट करिए, वहाँ पर पिक भेजिए, और उसके बाद मैं आप लोग को वो डिज़ाइन सिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक।